all your resolution for the 2022, right? कुछ चीजें हैं तो थोड़ा सा अर्चना का जो टाइम पे चल रहा था, मैंने बोला कि बाद में इसको कनेक्ट करते हैं अबाउट रिस्पॉन्डिंग. हालांकि देखा जाए तो पिछले एक दो महीने थोड़ा रिस्पॉन्ड करने लगे हैं, करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इसके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया था कि जो रिस्पॉन्स है वट एवर द माध्यम कोई भी हो, ईमेल का हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो. हालांकि ये चीज ग्रुप में अभी भी मैं देखता हूँ, अपना ऑफिशियल जो ग्रुप है उसमें रिप्लाई थोड़ा सा कम आता है लोगों का. कुछ लोगों का आता है, रेगुलर आएगा, कुछ लोगों का कम आता है. स्पेशली कोई चीज फॉलो अप लेने के लिए बोल दिया जाए या किसी को वर्क करने के लिए बोल दिया जाए तो फिर उसमें थोड़ा सा सुनड़ी में चले जाती है लोग, ठीक है ना, उसके ऊपर रिस्पॉन्स जल्दी नहीं आता है, करेक्ट. बाकी चीजों पर थोड़ा आ जाएगा, मीटिंग है, सेशन है, कुछ भी है, नोट है, टेक्नोलॉजी है, वो फटाफट करके आ जाएगा. इस पर भी बात हुई कि नोटेड एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है. नोटेड एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, मतलब समझ गया, समझ गए. और मैं उसका रिसीप्ट आपको दे रहा हूँ, डिलीवरी नोट दे रहा हूँ कि एक्नॉलेजमेंट मुझे हो गया. एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट भी आती है ना कि कोई चीज, कोई भी मैसेज आपका मुझे डिलीवर हुआ है तो मैं आपको एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि हाँ मैंने मैसेज डिलीवर मुझे हो गया है. पर उसके आगे क्या, मैसेज डिलीवर होने के बाद क्या, बात क्या होगा, मैसेज होने डिलीवर होने के बाद मोशन क्या होगा, उस पे एक्ट करना होता है जिसके ऊपर आपने एक्नॉलेज किया हुआ है, नोटेड किया हुआ है, करेक्ट. एंड आई विल कम अगेन ऑन दैट पॉइंट विच वॉज रेज्ड बाय अर्चना अबाउट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है. तो ये भी रिस्पॉन्ड है, जैसे एक्नॉलेज करते हैं, आप कुछ एक लाइन लिख सकते हैं, नोटेड की जगह पे कुछ एक लाइन दो लाइन लिखेंगे तो ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट होंगे, ठीक है. जैसे अर्चना ने बोला कि मुझे इंग्लिश पे थोड़ा काम करना है 2022 में, या मुझे कुछ न्यू स्किल्स के ऊपर काम करना है, ये भी अर्चना ने बोला, ठीक है. तो आप लोग कैसे काम करोगे, कैसे आएगा ये सारी चीजें, कैसे आएंगे न्यू स्किल्स, कैसे आएंगे इंग्लिश बोलना, कैसे आएगी या परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो सीखनी पड़ेंगी, वो कैसे आएंगे. तो वो एकदम से नहीं आएंगी. कभी भी ये ध्यान में रखना कि कोई चमत्कार और सड़े एकदम नहीं होगा कि आज हमने बात की और कल से ही कुछ चमत्कार होने वाला है. तो ये इसी से आएंगे जो मैं बोल रहा था कि एक लाइन लिखना है, कोई भी थॉट है. ये चार पांच दिन पहले भी मैंने एक थॉट लिखा था, स्टेटस लगाया हुआ था नीलम बैठवी के में, तो मैं लिख रहा था कि कोई भी चीज, कोई भी आइडिया, कुछ भी आता है मन में तो उसका डॉक्यूमेंट्री करना है, मतलब अपने डायरी में, नोट्स में, मोबाइल के नोट्स में, कहीं भी उसको लिख के लेना. अरे जब लिख के लोगे, बिकॉज एक ये सर्वे है कि हर इंसान के मन में डेली एक या दो आइडियाज डेली आते हैं. महीने के 30 दिन होते हैं, 30 आइडियाज आए. अब तुम 30 तारीख को बैठ के जब ये रिकॉर्ड करोगे, 1 तारीख से 30 तारीख तक का पूरा, तो रिकॉर्ड तुम्हें पूरा हो गई नहीं, पूरे 30 आइडिया तुम्हें याद रहेंगे ही नहीं. इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी चीज मन में आता है, कोई भी आइडिया, सुबह से शाम तक हम कैंडिडेट से बात करते हैं, एचआर से बात करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, अलग अलग लोकेशन के लिए काम करते हैं, कितनी आउटरीच है हमारी. तो आइडिया हमें दिन में 2-4 आते ही है, पर हम लिखते नहीं, कमजोरी है. जब हम लिखेंगे नहीं तो जो नीव स्किल सीखने वाली बात है, इंग्लिश सीखने वाली बात, कुछ भी हो, और यह हकीकत है कि लर्न स्किल, न्यू चीजें जो भी सीखते हैं उसी से ग्रोथ होता है. ग्रोथ का सीधा ताल्लुक जो कनेक्शन होता है वो इसी से होता है कि हम नई चीजें क्या सीख रहे हैं, ठीक है. तो 2022 में जिन्होंने भी अपने अपने प्लान बनाया होंगे, जो भी होंगे, शायद किसी ने पूरा बोला नहीं होगा, आधा बोला होगा, या किसी ने पूरा बोला, उसी के ऊपर काम करना है, जो भी है, ठीक है. जो न्यू स्किल्स है, जो सीखने का जो एक प्रोसेस होता है, वो छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है. अचानक से कभी कोई चीज नहीं होगी, कभी नहीं होगी. मार्क माय वर्ड, दिमाग में लिख लो, छाप लो कि एकदम से कुछ नहीं रिजोल्यूशन आने वाला. हम रिजोल्यूशन की बात की, हमने सबके सपने लिए, सबने अलग अलग बताया, ठीक है मेरा ड्रीम ये है, पेरेंट्स को रिलेटेड, रिलेटिव के रिलेटेड, फ्रेंड के रिलेटेड, कंपनी के रिलेटेड, मेरे अपने ग्रोथ के रिलेटेड, मेरे बॉस के रिलेटेड, टीम लीडर के रिलेटेड, अलग अलग टॉपिक पे हमने बात की, करेक्ट. बट
एकदम से कैसे हो गए, ये नहीं हो गए। और ये रिजोल्यूशन ऐसा नहीं है कि शायद हम आज ही बात कर रहे हैं, ये मन में हमारे और दो चार साल पहले से थे, कॉलेज के टाइम से ये चीजें आने लगती हैं। कॉलेज के पहले नहीं आता लोगों के समय, जनरली कम लोगों के आते हैं। कॉलेज के बाद से फिर हम, क्योंकि हम बाहर नहीं करते हैं तो अलग अलग लोगों से जब मिलते हैं, अलग अलग थॉट हमारे मन में क्रिएट होते हैं, आते हैं। ठीक है, किसी को मैनेजर बनते हुए देखते हैं, किसी को टीम लीडर बनते हुए देखते हैं, तो मन में लगता है कि नहीं मुझे भी बनना चाहिए, शायद मैं पीछे हूं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। जैसे मौसी ने बोला कि बाकी लोगों को हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो ये थॉट आने चालू होते हैं कॉलेज के टाइम से या कॉलेज के बाद से चालू होता है। ठीक है, बट जो ये रेजोल्यूशन की आज बात हो रही है, ले लिया, ये सब छोटी छोटी चीजें रोज करनी होती है। जब रोज फॉलो करेंगे तभी आएगा वो रेजोल्यूशन। एकदम छोटी सी चीज क्यों ना हो, मुझे आज ये चीज फॉलो करना है, मुझे आज ही करना ये चीज। नहीं कर सकती मैडम, इसको कम से कम नोट करके तो जरूर लिख लूंगी, कल मुझे इस पर काम करना है। वो नोट ही नहीं है और हमने किया भी नहीं है, दोनों चीजें हाथ में नहीं की, ना तो मैंने उसको फॉलो किया, ना ही उसको डॉक्यूमेंट्री करके कि चलो मैं परसों से, तरसों से, नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंथ से, जो भी है, वो चीज तो खत्म हो गई, आज ही इन द एयर समाप्त हो गई, डायंड हो गया उसका। क्यों? क्योंकि उसके जैसे और 10 चीजें थी तो मुझे वो चीज याद नहीं रही। तो जो करना है अभी करना है, छोटी सी चीज ही करो। रिजोल्यूशन जिसने भी बोला, किसी एक का मैं एग्जाम्पल नहीं लेना चाहता हूं, बट एक कॉमन चीज है जो लोगों ने बोला है कि मुझे प्रूफ करना है, पेरेंट्स को प्रूफ करना है या खुद को प्रूफ करना है, कंपनी को प्रूफ करना है। प्रूफ वाले रिलेटेड जो ये वर्ड है उससे ज्यादा आया हुआ है। ठीक है, तो प्रूफ ये होगा कैसे, कैसे होगा? जब हम डेली रूटीन में, डेली हम वर्क के लिए आते हैं, सुबह उठते हैं, ऑफिस आते हैं, 8 से 9 घंटा हम काम करते हैं, 8 hours, 9 hours is more sufficient than your resolution, than your dream, right? अब उसका हम जब छोटी सी चीज क्यों ना हो, जैसे इंप्लीमेंट करने की जैसे बात आती है, हम लोग अच्छा बात करते हैं कि लोग इंप्लीमेंट में फेल होते हैं। तुम में से कई लोगों से जब मैं 2-4 दिन के बाद भी मिला ऑक्टोपस मॉड्यूल बनाने के बाद, तब भी मुझे ये पता चला कि 4 दिन हो चुका, अभी भी ये फॉलो नहीं हो। ठीक है, तो हम छोटी सी चीज करना हो उसको फॉलो करना है। सबसे बड़ा रिजोल्यूशन ये लेना होगा। आई थिंक 90% लोगों ने ये बोला नहीं। सबसे बड़ा स्टेप, सबसे बड़ा रिमार्केबल स्टेप ये लेना होगा कि मुझे 100 में से 1 ही करना, लेकिन मुझे आज ही करना है, आज ही ये करना है। एंड न्यू स्किल एक्वायर करने से रिलेटेड एक्सेल है, तुम्हारे पास वर्ड है, ईमेल राइटिंग है, ठीक है, कैसे बात किया जाता है, कैसे हमारा बिहेवियर टुवर्ड्स माय सीनियर्स होना चाहिए, ठीक है, इन नंबर ऑफ थिंग्स 1 दर्जन के ऊपर मिलेगी। ये चीजें जब सही नहीं करो तो जो टीम लीडर बनने का सपना है, प्रूफ करने का सपना है, ये जितनी भी चीज है, प्लीज मीट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बिकॉज जो आज है उन्होंने भी तो चीज सीखी है, तभी तो आज वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। कल हम सीखेंगे तो हम उस चेयर पर बैठेंगे। बट सबसे बड़ा रेजोल्यूशन, सबसे बड़ा कमिटमेंट जो लेना है वो है इम्प्लीमेंटेशन। क्यों ना हो, छोटा बस सुन लो, उसको इंप्लीमेंट करना है। तुमने इंप्लीमेंट किया तो वो छोटी सी चीज बड़ी बनेगी कल जाके। अरे तो छोटा सा एक फोल्डर ही तो बनाना है ड्राइव बी में, एक नाम देना फोल्डर का, कल कर लो मेरा फोल्डर बनाने के अंदर 30 सेकंड जाएंगे फोल्डर बनाने से। एक फोल्डर बनाने मेरे सारे सीवी उसमें डाल देना, एक प्रोपोजल लिस्ट बनाना है एक्स वाई जेड लोकेशन का, मुझे इतने लोग उसमें ऐड कर, एटीट्यूड को खत्म करना है। इसको जो अंदर का डेविल होता है जिसको बोलते हैं ना, वो डेविल को मानना है। तो इंसान एक्चुअली एक्चुअल में जो दुश्मन खुद का ही होता है। बहुत बड़ी बड़ी कहावतें हैं, कहानियां हैं, स्टोरीज है बुक्स में,
स्कूल्स में भी पढ़े होंगे, टीचर ने भी बताए होंगे, कॉर्पोरेट लाइफ में भी वही हम लोग डिस्कस करते हैं, तो डेली कोई बाहर का नहीं। तो ये मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन होता है। हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो पिक्चराइजेशन होता रहता है माइंड में, वो एक पिक्चर बनती है, फिर वो रात को ड्रीम भी आ सकता है उसका, फिर वो चीज रियल में भी थोड़ा सा डर होता है मन में। तो ये चीज कभी भी ध्यान में रखो कि मुझे किसी भी चीज का जो पिक्चराइजेशन करना है वो रियलिस्टिक वर्ड में घुस के करना है, ठीक है। एक इमेजिन जो करना है वो रियलिस्टिक वर्ड से रिलेट करके मुझे चीजों को इमेजिन करना है, और इमेजिन करके उसको छोटी सी चीज को मुझे करना है तो करना है, सबसे बड़ा कमिटमेंट ये लेना है। मैं समझता हूं इससे बड़ा कमिटमेंट या बड़ी इससे बड़ी बात 2022 के लिए नहीं हो सकती दोस्त, कि खुद से कमिटमेंट लेना है। और ये जो तीन कॉमन में बोलूंगा कि तीन रिजर्वेशन लोगों ने बताया, तो ये तीनों के ऊपर उस कमिटमेंट को रखना है। एक तराजू में वो तीन रखना है और दूसरे तराजू में एक कमिटमेंट वर्ड रखना है, तो वो बराबर है, वो तीन के बराबर वो कमिटमेंट है। अब वो कमिटमेंट की वजन ज्यादा होगी तभी जाके वो तीनों पूरे होंगे। कमिटमेंट की वजनदारी, उसकी अहमियत, उसका वेटेज या उसकी सीरियसनेस कितनी बड़ी है तुम्हारे मन में, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सारा रिजोल्यूशन तुम्हारा उसके ऊपर पूरा होगा, कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अग्री होना? यस। कमिटमेंट, कमिटमेंट बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए, कमिटमेंट होना चाहिए। एंड एट द एंड आता है कमिटमेंट का टाइम फ्रेम। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि टाइम को तोड़ो, उसको ब्रेक करो। अभी आजकल लोगों को वर्क ऑर्डर में भी लिख के आता होगा कि देखो यहाँ पे लिखा होगा 40% हमारा काम कंप्लीट होना चाहिए, तो मैं ईमेल बॉडी में भी सुबह वर्क आएगा तो वर्क ऑर्डर में लिखा रहेगा कि 30% 40% हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर लंच। पोस्ट लंच क्या करना है वो जितने भी परसेंट होंगे दैट इज डिफरेंट मैटर। 90% बाय अपना टारगेट कंप्लीट होगा, 100 होगा, 100 को कंप्लीट होगा। ये कब होगा? जब हम छोटी छोटी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, टारगेट को ब्रेक करेंगे, टारगेट को टुकड़ियों में बांट के कंप्लीट करेंगे तभी होगा। अगर मैं शाम को बोलूं मुझे 100% कंप्लीट करना है 2-4 बजे के बाद, तो कभी नहीं होगा। अगर ये मैंने 40% कंप्लीट कर लिया तो इट्स फॉर श्योर कि 80% कम से कम कंप्लीट हो ही जाएगा। 7 बजे तक हम लोग काम करते हैं रिपोर्ट, उसके बाद सारी चीजें बनानी होती है, तो आईडी 7 बजे के बाद किसी का कोई लाइनअप होता नहीं है, सब रिपोर्टिंग इसमें टाइम निकल जाता है, बहुत टाइम होता है। आपने अपने टाइम को किस तरीके से फ्रेम वर्क किया हुआ, फ्रेम बनाए हुए, किस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है, डू नॉट वेट फॉर योर टीम लीडर्स कि मुझे कुछ ऑर्डर आएगा तो मुझे ये करना है, कुछ अलग दिमाग आएगा तो मुझे ये चीज फिर इंप्लीमेंट करनी है। देखिए वो दैट विल बी इम्पैक्टेबल जो तुम्हारा होम प्लान, जैसे वो रेस्पॉन्स की बात, रेस्पॉन्स दिया तो कमिटमेंट दिख जाती है कि नहीं मैंने रेस्पॉन्स दिया किसी चीज पे, कमिटमेंट दिया हुआ है तो एक अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाती है कि नहीं अब मुझे ये चीज करनी। सो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन 2022 एंड वी शुड फॉलो दैट। द मेन इंपॉर्टेंट दैट आई हैव हाईलाइटेड विच इज कमिटमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। नौशीन ने बोला कि मुझे थोड़ा सा मुझे वर्क करना अपने शॉर्ट टेम्परिंग के ऊपर, तो कभी भी ध्यान जब हम रियलिस्टिक वर्ड को हर बार यूज करो रियलिस्टिक तो हम घबराएंगे। इसकी जॉब का एग्जाम्पल लूंगा, ऐसे जियो जैसे आप ड्राइव, जब हम रियल वर्ल्ड को रिलेट कर रहे हैं ना तो घबराना किस चीज का? जब मेरे अंदर ये हिम्मत आ गई है कि मुझे किसी चीज को सामना करना है, सामना करने की जो फीलिंग है, जो भावना है, वो तुम्हें हिम्मत देगा चीजों से लड़ने के लिए। जब तुमने अंदर कमिटमेंट कर लिया मुझे इस चीज को फेस करना है तो करना है ना, डरने की क्या बात है, डर की बात है।
तो आपसे थोड़ी चोरी कर रहा है, डे का टारगेट नहीं है जब आज नहीं हो तो कल सुबह नहीं आ। जॉब सिक्योर है, जॉब में प्रॉब्लम नहीं है, तो डर किस बात का? और डर से काम कभी होता है, घबराहट से कभी काम नहीं होता। तो चीजों को हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि तुम्हें उस लेवल उसके ऊपर काम करना है, तो तुम्हारी चीजें मोशन एक्सेप्टेंस लेवल पर काम करो, चैलेंजेस उनको एक्सेप्ट करो। घबराहट होती है, जब रियल चीज को एक्सेप्ट करो तो घबराहट नहीं होगी। उसके अंदर यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द सॉल्यूशन, मुझे इसमें अगर घबराहट हो रही है तो क्या होगा, चलो एक सेकंड के लिए मान लिया बहुत टेंशन हो गई, डिप्रेशन वर्ड यूज किया था, फिर तुमने बात बोली, डिप्रेशन तो नहीं बोल सकती बट नजदीक, थोड़ा सा नजदीक उसके पहुंचती हो, टच नहीं करती हो, थोड़ा नजदीक पहुंचती हो, आधे रास्ते तक। तो एक सेकंड के लिए मान लेता, चलो ठीक है चीज रियल में घबराने वाली, रियल में टेंशन हो गई, मेरा एक सौ एजेंट बन गया, अकाउंट हो गया, कुछ भी हो सकता है, वर्क से रिलेटेड सब टेंशन ले लिया तुमने, कितने घंटे में, दो घंटे, दो घंटे, हाफ डे या पूरा दिन, नेक्स्ट डे आपको रिफ्रेश होकर आ जाता है, उतना लेवल का वो टेंशन नहीं सकता शायद। तो मैं उस दिन की ही बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दिन, दो दिन, एक घंटा, दो घंटा टेंशन लिया, हाफ डे लिया, क्या होगा? बिल्कुल आंसर, कोई पर्टिकुलर चीज इंसिडेंट हुआ तुमने टेंशन ले लिया, एकदम घबराहट में, तो कुछ दूसरा काम भी नहीं हो रहा है एक्चुअली है, ठीक है, क्या होगा? टेंशन अगर लेंगे तो उसका सोल्यूशन भी हमारे पास ही होगा ना, अगर हम टेंशन लेके भी सोल्यूशन नहीं निकाले तो, टेंशन रहेगा तो बाकी के जो चीजों पे फोकस नहीं कर पाएंगे, जैसे कि लाइक पर्सनल लाइफ से भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ से भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, जो चीज को हमें उस टाइम पे मतलब अगर सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं उसी टाइम तो उसका हमें टेंशन नहीं आएगा, और अगर हम लोग टेंशन लेके बैठेंगे तो पूरा दिन वेस्ट होगा प्रोफेशनल वर्क में, और पूरा टाइम वेस्ट होगा, काम भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर एक अपने को अंदर से खुद को फील होता है कि आज मैंने पूरा जीरो काम किया, मैंने एक भी काम प्रोफेशनल में नहीं किया, वो हो जाएगा, तो फिर मीन्स अंदर से एक गिल्ट आता है कि अगर मैंने टेंशन की जगह पर उसी वक्त उसका सोल्यूशन निकाल लेती तो थोड़ा बहुत मैं उसको कैच कर सकती थी, वैसा। तो टेंशन लेने से अगर कुछ होता हासिल तो इस दुनिया हर कोई टेंशन में बैठा रहता, टेंशन लेने से तो कुछ होता है उल्टा, जो सही चीज होने वाली होती है नेक्स्ट वो डिवेलप हो जाती है, नेक्स्ट आर द नेक्स्ट जो भी होने वाली है, ठीक है, उसको भी हम डार्क में डाल देते हैं, अंधकार में डाल देते हैं। तो कभी भी एक चीज जरूर सोचना, टेंशन लेने से पहले किसी के भी साथ होता होगा, डिम्यूटेशन होता है, टेंशन आता है, कोई भी चीज हो जाती है, दिन भर के बहुत सारे रूटीन होते हैं, रूटीन के दौरान उसके अंदर तुरंत सोचना, नहीं सेकंड में ये सोचना कि चलो मैं टेंशन ले लूं लेकिन फायदा क्या, किसी चीज के डिप्रेस चले जाने से उससे मिलने क्या वाला है, अगर कुछ मिलने वाला है, इफ यू फेल्ट कि नहीं अच्छा मैंने बहुत मंथन किए टेंशन लेने से कुछ मिलने वाला है तो यू आर राइट, ले लो जितना टेंशन, अगर एक सेकंड के लिए ये लगे तो नहीं मुझे भी कुछ मिलने वाला है नहीं उल्टा मैं कुछ बिगाड़ रही हूँ, तो फिर एकदम फ्री हो जाता है दिमाग को, एकदम रिलैक्स मोड में आता है, और जो आने वाली चीज है उसको वर्कआउट करो, हाँ जो आने वाली चीज है उसको वर्कआउट करो। मुझे थोड़ा और ये शायद तुमने बोल दिया और किसी ने बोला नहीं होगा, बट ये हर दूसरे सच के साथ ये चीज होती है, होता है हर एक अटेंडेंट बंदे के साथ होता है, तो अबाउट टू मी तुमसे हाँ बोला है, फिर भी होगी मेरा दस, लेकिन अब मैं लेके बैठा हूँ जब एक हफ्ता कुछ नहीं
तो मुझे जो करना है नेक्स्ट, मेरा जो मैंने डायरी में नोट किया हुआ है कि ये तो हो गया, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैं उसके ऊपर काम करना चालू करूंगा, ना कि वहीं पे स्टक रहूंगा, उसी चीज के बारे में सोचता रहूं सोचता रहूं। क्यों? क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट तो बनाई हुई है, मेरा प्लान भी बनाया हुआ है, मेरा ये फेल हो गया है और मुझे उस पर सोचते नहीं बैठना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अब जो तुमने डॉक्यूमेंट्री ही नहीं की किसी चीज से, कुछ लिखा ही कहीं पर कोई नोट्स नहीं है, तो तुम उसी बारे में सोचते रहो, ये ध्यान दे लेना मेरी बात, उसी के बारे में सोचते रहो। नाउ यू हैव टू पॉइंट तो न्यू ईयर 2022 रिजोल्यूशन शुड बी इम्प्लीमेंटेशन एंड कमिटमेंट, किसी प्रोफाइल को सस्टेन करना, अच्छे से उसमें मेच्योर हो जाना, पक जाना, फिर नेक्स्ट लेवल के लिए सोचना। तो नेक्स्ट लेवल अपने आप ही आ जाता है, उसके लिए बैठ के आराम से सोचना नहीं होता है। टीम लीडर अगर बनना है जिन्होंने बोला, तो टीम लीडर बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, जिसमें से कुछ हाईलाइटेड पॉइंट मैंने अभी बोला है 5 मिनट में। टीम लीडर बनने के लिए क्या क्या चाहिए अल्फा? मतलब तो सामने बोला था सस्टेन करो अपने प्रोफाइल में, आपने बोला कमिटमेंट करो और इम्प्लीमेंटेशन करो, तो जो प्रोफाइल में अभी मैं हूँ मैं वो कमिट करती हूँ, इम्प्लीमेंट करूँ कि मैं हाँ अच्छी हो जाऊँ उसमें, तभी टीम लीडर की प्रोफाइल पे जा पाऊंगी। क्या क्या चीजें एक्वायर करनी पड़ेंगी तुम्हें, एक टीम लीडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए, एक टीम लीडर बनने के लिए क्या क्या चाहिए? और यहाँ पे नहीं मिलता क्या क्या चाहिए? मेरे ख्याल से जितने लोग एक एक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर बैठे तो हो जाएगा। मिताली, लीडरशिप चाहिए, ठीक है। मिता, कम्युनिकेशन एंड कन्वे, कम्युनिकेशन एंड कन्वे, बहुत बढ़िया। एक शायद कोई नहीं बोलते कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी, कन्वे इंपॉर्टेंट है कि अपनी बात को कन्वे कैसे किया जाए। मन में सब कुछ होता है, पता होता है कि मुझे क्या चीज बोलनी है, पर बोलने का तरीका क्या है, कोई चीज कन्वे करने का एक वे होता है। किसी चीज को प्रेजेंट करने के दो तीन तरीके होते हैं, कितनी भी बेकार चीज है, कितनी भी घटिया प्रेजेंट करोगे तो भी शर्म आएगी, लेकिन तुम्हारा प्रेजेंटेशन इसकी अच्छा है, इतनी खूबसूरत चीज बन जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी कि सामने वाला एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा। मुश्किल हर चीज करनी चाहिए, बनेंगे या उस लायक बनने की बात होगी, कैसे बने उस लायक की किसी को सपोर्ट कर सके। मेरे जेब में 2 रुपए है, तभी मैं भूखे को उसमें से 1 रुपया दे दूंगा, जो है ही नहीं मेरे 2 रुपए, तो मैं 1 रुपए निकाल के 5 रुपए, वो वाली बात हो रही है। यस, 4 पॉइंट मुझे सारा चीज टीम हैंडल करना, उससे पहले और उससे पहले थोड़ा नजदीक पहुंची और उससे पहले टीम लीडर बनने के लिए क्या करनी चाहिए, स्किल्स भी उनको मतलब आना चाहिए, वो सब चीजें न्यू स्किल्स आना चाहिए, ठीक है, ताकि वो उन्नति वाली बात के इंस्टीट्यूशन को हैंडल कर सकते। पेशेंस है, स्पीड मतलब किस चीज की स्पीड इन योर वर्क, स्पीड इन योर वर्क, वर्क आपके जो काम है उसमें स्पीड होनी चाहिए। हमारी वर्क ऑर्डर कम्प्लीट नहीं होती तो किस नहीं है, पेशेंस होना तो जरूरी है, सामने वाले इंसान को पेशेंट से काम लेगी तो सामने वाले को समझ भी पाएगी वो कहाँ पे लैग कर रहा है, उसे कहाँ पे कैसे टैकल करना है, इसलिए पेशेंस होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है नहीं? हाँ, और बताइए, टीम लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटी,
टीम लीडर बनने के लिए फर्स्ट उसको जैसे कि आप हमें हैंडल करते हमारी बातों को सुनते हैं तो वैसे मुझे मेंबर्स की बातें कुछ समझनी होगी कि वो क्या बोलना चाहता है मेरे कुछ नए आइडियाज उसके पास भी निकले तो मैं पहले एज अ टीम मेंबर जब अगर टीम लीडर मैं बनती हूँ तो सामने वाले की बातों को सुनूंगी तो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो टीम मेंबर की टीम मेंबर को टाइम दूंगी सेकेंड पॉइंट आता है कि मैं मतलब टीम कैसे हैंडल कर सकती हूँ टीम को हैंडल करने के लिए जरूरी टीम हैंडल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने अंदर जो स्किल है वो इम्प्रूवमेंट करूंगी पहले मैं खुद में इम्प्रूवमेंट जो रहेगा मुझमें जो मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो स्ट्रगल किए टीम लीडर बनने वो सारी चीजें मैं उन लोगों में डाउनलोड कर दूंगी कि तुमने वैसा कर सर टीम लीडर में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए अच्छे से कन्वे करना आना चाहिए ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कम्युनिकेशन मतलब उनको अच्छे से सुनना भी आना चाहिए लाइक गुड लिसनर भी होना चाहिए ऑल अराउंडर होना चाहिए परफॉर्मेंस उन्हें परफॉर्म करना चाहिए तो भी जाके वो पोजिशन में बैठेंगे अगर तुम कुछ नहीं है तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते आगे तुम टीम लीडर की लाइक तुमको अगर दी भी जाएगी ना तुम जो हैंडल नहीं होगी तुम खुद से गिव अप कर लोगे सो जो भी सबने बताया वही सब चीजें अगर इम्प्लीमेंट करेंगे हम फ्यूचर में तो ही जाके हम टीम लीडर बनेंगे या फिर अदरवाइज हम वही के वही बन जाएंगे वो टाइप ऑफ वाली बात हो गई जैसे कि आपने बताया था ना कि स्किल्स क्या उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए ये तो कॉमन चीज है सबने बोली है कुछ यूनिक एक दो लोगों को बोला जैसे प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है सुनना चाहिए या चीजों को डाउनलोड देना चाहिए कन्वे करना चाहिए और क्या चाहिए इसका मतलब क्या चाहिए हाँ ये अलग बोला इसमें नया ठीक है टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और और भी इतने सारे पॉइंट्स हैं तो उसके बिना मुझे क्या छूटा और कुछ इसका मतलब जो लोगों ने बोला ना सब प्लान मतलब जो हमें बनना है टीम लीडर बनना है तो जो ये सब पॉइंट्स है वो हम करते हैं तो एक प्लान होना चाहिए उसके हिसाब से हम प्लान करके चलना चाहिए लाइफ में कुछ भी करना है उसके लिए प्लान होना जरूरी है बिना प्लान के मतलब बिना प्लान के मतलब ऐसा होता है कि कुछ भी किसी को कोई किया है कोई बड़ा अचीव किया है तो प्लान किया ही है तो एक प्लान होना चाहिए जैसे कि हम डेली रिपोर्ट बनाना हो डेली रिपोर्ट आता है तो हम करते हैं प्लान हाँ इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है इस पे काम करना है उस हिसाब से हमें जो मान लो कि हमें टीम लीडर का पोजिशन चाहिए तो उसके हिसाब से हमें प्लान करके चलना है जो इसके डेवलप करना है वो सारी चीजें करना है तो प्लान भी जरूरी होता है मुझे ऐसा लगता है एक अगर है उसमें तो उसके टीम लीडर शुड ऑल्सो बी अ रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर मुझे ये टीम जरूरी है मैं अपनी क्षमता खुद भी रखनी चाहिए कि मैं अपनी टीम को ड्राइव कर पाऊँ उसमें में तो आई शुड ऑल्सो बी अ रेवेन्यू कभी धोखा दे रहे टीम की यार ये अंडर एस्टिमेट कर ले रहे हम भी करेंगे तो ये तो कुछ करी नहीं पाएंगे मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली जो बात आती है जैसे मान लो अगर मैं हूँ मेरे अगर अंदर ये लोग है तो दे डोंट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी जब इनको क्लाइंट को जवाब दे रहा हूँ दे डोंट टेक इट एज के मुझे तो ये जवाब देना अगर मेरा नहीं भी हुआ तो उनको जवाब देना उनको बताना तो वो अकाउंटेबिलिटी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जब सीख जाएगा तो ही आप उस पोजीशन पर बैठ पाओगे कि आप किसी तक ये बात कन्वे कर पाओ तो वो बहुत मेन है ऑल्सो कि जो कन्वे वाला पार्ट विनीता ने बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी जो बात है अगर मेरे पास मान लीजिए कोई क्लाइंट अभी ऐसा हुआ है एक बार ऐसा मुझे कॉल आया कि अरे लाइन अप नहीं है आप भेज लो नहीं भेज लो तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अब अरे नहीं है वो मैंने बात काली की अच्छी थी कि मैं चेक करके मैं बताती हूँ आपको
थोड़ी देर बाद फिर उसको बताना, लाइक कोई पॉइंट डायरी बताना, उसके बाद थोड़ा टाइम लेके उसको बताना कि नहीं वो बंदे के भी सामने को फील करना चाहिए कि हाँ इसने चेक तो किया। ऐसा तो नहीं है किसी पास प्लान पहले से ही रेडी था लेकिन उसने मुझे तुरंत बता दिया, पहले ही बताया मैंने कॉल किया तो बताया। हॉस्पिटल में कोई मर गया तो उसके जो पेरेंट्स हैं उसके जो भी हैं उनको कैसे बताएंगे? चीजों को कन्वे करना आना चाहिए, उस चीज को बता रहे इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली से इनडायरेक्टली वे में भी मुझे वही पॉइंट बता रहे हैं कि मुझे मेरे पास नहीं है या मेरा नहीं हुआ, लेकिन वो कैसे चीजें ड्राइव करनी वो भी आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट लीडरशिप टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, टीम प्लेयर, आप पता चलेगा कितनी राह कठिन हो रही है। ये हमने तो वही तीन चीज सोचा था परफॉर्म करके बन जाने का, तुम परफॉर्मेंस भी एक पार्ट है परफॉर्मेंस गिव अप नहीं करना चाहिए, गिव अप तो हर लेवल पे है, ये करना चाहिए। चैलेंजेस डेली नए आते हैं अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए टीम लीडर, बीइंग टीम लीडर यू कैन डिस्क्राइब आई थिंक क्वालिटीज लाइक अपने टीम की जो भी प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई करके उनको सॉल्व करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए एक टीम लीडर के अंदर। देन आइडियाज क्रिएट करने की एबिलिटीज होनी चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको क्या आइडिया देके उसको रेक्टिफाई कर सके या क्या आइडिया क्रिएट करे उसको सॉल्व करने के लिए, तो ये भी एबिलिटी होनी चाहिए एक टीम लीडर के अंदर। Good in email writing, और क्या होना चाहिए? एक प्री प्लान भी होना चाहिए, प्लान ए प्लान बी प्लान सी प्लान होना चाहिए। जैसे हम लोग ये एग्जाम्पल हाउसवाइफ से बहुत अच्छे से ले सकते हैं, जैसे अगर हमने कोई मेरे इवेंट रोकी है या कुछ पार्टी घर में मैंने ऑर्गेनाइज किया तो हाउसवाइफ जनरली वो दिन का थोड़ा प्रेशर डाउन करने के लिए एक दिन पहले थोड़ा प्रिपेयर करके रखती है कि अगर कल मुझे ये करना है तो मैं थोड़ा आज मैरिनेट करके रख लूँ, थोड़ा सा बना के रख लूँ या बैटर रेडी करके रख लूँ, तो वो एक बहुत अच्छा होता है कि वो लोग वो कल का लोड थोड़ा सा इजी करने के लिए एक दिन पहले ही उसका थोड़ा सा ज्यादा कर लेते ताकि वो कल मुझे ईजी हो जाए। तो कभी कोई हेक्टिक डे जैसे अगर कोई ड्राइव डे कर लेते तो उस पर पहले से ही थोड़ा थोड़ा काम करके रखने से चीज का एडवांसमेंट जरूरी है। कोई चीज अगर कल मुझे करनी है तो उसका 30% आज मुझे खत्म कर लेना होगा, चीजों को प्रिपरेशन कर लेना होगा, मे बी 30% ना भी करा तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाए किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए। प्लान बेटर प्लान प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, राइट?
अगर दिन की अचानक से फिर एकदम गर्दन पे तलवार आ जाए तो फिर कुछ नहीं होगा, कटनी जाएगी भी गर्दन। अब इन सब चीज के लिए डेली रूटीन में ही हमें सब कुछ सीखना पड़ेगा। अचानक से कुछ रिजोल्यूशन नहीं आएगा, अचानक से वो दिन नहीं आ जाएगा कि आज है, ये दिन है, ये फला महीना है, फला टाइम है, इस टाइम मुझे टिंबिडोर बन जाना है, इस टाइम मुझे ये फला टारगेट अचीव कर लेना। ऐसा कभी कुछ नहीं हो गया न कभी हुआ था। ये छोटी छोटी चीजें इनमें से अभी तुम देखो 10 या 12 हो गए होंगे, एक दर्जन के ऊपर हो गए होंगे पॉइंट्स। किसी को भाग के आने की जरूरत नहीं है, कंपनी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं टीम लीडर बनाओ मैं एलिजिबल हूं, बनाओ मैं एलिजिबल हूं। ऑलवेज रिमेंबर यू आर बीइंग वॉच्ड एवरी डे एवरी आवर्स अबाउट योर पोटेंशियल कैपेबिलिटी एलिजिबिलिटी, यू आर बीइंग वॉच्ड ऑल द टाइम। यू डोंट हैव टू अप्रोच कि मुझे ब्रांच मैनेजर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी यू विल गेट दैट। व्हाई? बिकॉज यू आर बीइंग वॉच्ड। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मिताली के अंदर कितनी पावर है, कितनी एबिलिटी है, वो सब पता चल रहा है सबको। इंडिविजुअल को पता चल रहा है, सबको पता चल रहा है। बिकॉज एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द डे, एमआईएस इज मैटर। एमआईएस सब कुछ बोलता है, वो सब कुछ बताता है कि कौन किस लेवल पे है। और जो परफॉर्मर होता है तो ऐसा इसका एकदम मतलब नहीं है कि बाकी चीजों में डल होता है इसलिए परफॉर्म कर रहा है। ऐसे केसेस 1 लाख में एक हो सकता है कि बहुत बेकार बंदा है और वो परफॉर्म कर रहा है। समझो मेरी बात को, कि कम्युनिकेशन एकदम खराब है, बिहेवियर में खराब है, एकदम मैनर गंदा, लड़ाई लड़ाई करने वाला है, झगड़ा करने वाला है, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके बाद भी वो टॉप क्लास का परफॉर्मर है। 1 लाख शायद उससे भी ज्यादा में एक ही केस हो सकता है। ये वो कौन होगा, ये जो चीजें फॉलो कर रहा होगा, जो यहां पर लिखी हुई है आप लोगों, ये वो बंदा होगा। वो एक्सेप्शन कभी एक्सेप्शन रेयरेस्ट केस में होगा। वो एबिलिटी उसकी अच्छी होगी, फोकस होगा, पंचुअल होगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा उसका, सुनता होगा, फॉलो करता होगा चीजों को, कमिटेड होगा, जो इसमें सब लिखा होगा, तभी उसका एमआई सबसे अच्छा है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो वाली सिनेरियो में मत सोचना। परफॉर्म तो मैं कर ही लूंगी, बाकी चीजें मैं भले ना फॉलो करूं, टॉप पर मुझे ही रहना है, पर मेरा बिहेवियर मुझे नहीं सुधारना है, तो परफॉर्मर लिस्ट में आओगे ही नहीं। बाय डिफॉल्ट है, वो खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा रहेंगे ही नहीं। ये वही सेम वही स्टोरी है। तो ये चीजें, ये फ्यूल है, गाड़ी बिना फ्यूल के नहीं चलती, भी फ्यूल है। यू कैन नॉट मूव अहेड, you cannot take one step in without following these areas that you have written. What about this? मुझे ये पॉइंट बोला था कि also maintaining professionalism, ऐसा नहीं होता है क्योंकि लोग हाँ तो maintaining professionalism भी बहुत important skill है जो एक इंसान में होनी चाहिए। सुपर पॉइंट, करेक्ट। 20% लोगों में नहीं होता है घर से सब बनाने वाला सीन। हाँ। सही नहीं, तो इसको एक चीज में ऐड करूंगा कि कभी भी ये टीम मेंबर के लिए बोलूंगा, दिस इज फॉर टीम लीडर आल्सो, कभी भी दोस्ती बनाने की कोशिश नहीं, भूल से भी नहीं, भूल से नहीं। तो मैं भी फीमेल हूँ, मेरी फीमेल हूँ, फीमेल में थोड़ा हुआ तो हाय करते, मैं मेरे फ्रेंड की बातें बताती हूँ, बुरे करती हूँ, अपनी करती, कभी नहीं। जिंदगी की प्रोफेशनल लाइफ की, प्रोफेशनल जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी गलती तुम्हारे प्रोफेशनल करियर की सबसे बड़ी गलती हो। इसमें अगर बोल सकती है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो दोस्ती पूरे है, चार दिन बना भी लिए वो पूरे नहीं रहेगी, वो गलती नहीं रहेगी। मैं सारे पेपर लिख के दूंगा इस बात को, क्योंकि वो उसको आज नहीं, देखो आज तुम्हें बना नहीं,
तब उसको तुम्हें चिल्लाना है, दोस्ती बनाए तो थोड़ा सा दिल का अटैचमेंट हो जाता है, तो वो दिल को धक्का लगेगा वो चिल्लाए कल काम के लिए बोलेगी ही बोलेगा, तो तुमने दोस्ती बना लिया, एक दो दिन कमर फोन में रह लिया, तब उसको बोलना है मुझे बड़ा बड़ा मुझे चिल्ला महीने एक बार मेरे बड़ी भी चिल्ला, फिर बुरा लगेगा दोस्ती टूटेगी, फिर उसमें डिस्प्यूट होगा, महीना खराब होगा, डीएम खराब होगा, पर्सनल इंटरेस्ट जाग जाएगा, चीजें आ जाएंगी बढ़िया लगेंगी पीछे बन जाएंगी पर्सनल चीजें, इस चीज का खास ख्याल रखिए, ऐसा होता नहीं है ना कभी करने की कोशिश करना, जिसने किया उसका अंजाम भुगतता है। उसमें सर वो ऐड हो जाता है कि किस समय में इंसान कितना मैच्योर इनफ है, अगर वो इंसान ऐसा सोच भी रहा है इनकेस, तो वो सामने वाले की सिचुएशन में भी मतलब अगर वो सोचता है मैं वो पोजीशन पे खड़े रहूं, तो वो जब अभी से अंडरस्टैंड करेगा कि जो पोजीशन में सामने वाला इंसान है वो क्यों कर रहा है या किस लिए कर रहा है, तभी वो खुद भी वो पोजीशन की लाइन में या पाथ में जा पाएगा ना। अगर वो अब ये सोच रहा है कि मेरे को अगर बोला या मुझे तो अगर मुझे लग रहा है, तो अगर मैं वो सिचुएशन में फिर कैसे पहुंच पाऊंगी अगर मैं यही यही लेवल पे रह जाऊं, अगर इससे ऊपर मैं आ ही नहीं पा रही हूँ, तो फिर मैं अपने आप को वहां सामने कैसे देख सकती हूँ, जबकि मैं यहाँ से वो लाइन क्रॉस ही नहीं करना चाह रही हूँ, मैं अपना कम्फर्ट देख रही हूँ ना कि सामने वाले इंसान करेगी, क्योंकि इन अ वे जब अगर सामने वाला कोई मुझे करके बोला तो उसमें मेरी भी तो ग्रोथ है, वो मेजोरिटी ही बहुत नेसेसरी है। तो प्रोफेशनलिज्म का जो लेवल है वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, 100% प्रोफेशनलिज्म, तभी चीजों को लर्न कर पाएंगे, तभी हम सीख पाएंगे, तभी हम थोड़ा सा अपने पर्सनल ईगो से भी बाहर रहेंगे, तो जहां पे पर्सनल चीजों जहां जैसे इंटरेस्ट आ जाता है वहां पे ईगो आ जाता है, वो हर्ट आ जाएगा, दिल आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएंगे, उठना फिर जोड़ना वो सब चालू हो जाएगा, समझ लो ना 100% तुम्हारी बातों में बिहेवियर में हर चीज। एंड बिलीव मी यू विल बिकम अ इन्फ्लुएंसर, ठीक है, अगर तुम प्रोफेशनलिज्म आपका ऑफिस में अपनाओगे तुम्हारे से दो लोग चार लोग और ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होंगे, शी इज वेरी प्रोफेशनल, इसकी कॉपी करते हैं 100% होती है, ये बहुत खास है, अच्छा पॉइंट सर हमने रेज किया है, और ये एक दो लोगों से हमने देखा भी है थोड़ा सा प्रोफेशनल कम मेंटेन किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, बहुत गंदे तरीके से भुगतना पड़ा, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत गंदे तरीके से भुगतना पड़ा, तो ये कभी नहीं होना चाहिए, घर की बातें कभी मुझे ऑफिस में घर की बात की जरूरत ही नहीं है, हाँ कभी इंसिडेंटली कभी कुछ है तकलीफ है कुछ है तो जैसे किसी को ली चाहिए जाना है राम की तभी खराब है, हाँ बता दिए ठीक है चलो सीरियस चीज है, प्रोफेशनल रिलेटेड प्रोफेशनली तरीके से उसको बताओ, ऐसे नहीं कि हाँ मेरे घर में आज ये बना था वो था, मेरी सास ने ये कर दिया था, देवर का ये वो फलाना टीमा का ये वो सब बकवास नहीं करना कभी भी लाइफ में, ना इन चीजों के आस पास भी नजदीक भी होते, कभी भी देखो इन चीजों को फुल स्टॉप नहीं, आज आप बात करोगे कल दूसरी करोगे तीसरी एड होती चली जाएगी, तो एड होती चली जाएगी सिचुएशन पूरी है पर्सनल होती चली जाएगी, फिर और गलती हो जाएगी, फिर एकदम उस चीज से निकालना या फिर सामने वाला डाल देगा तो फिर उसमें आपका फिर वही है बीच में चीजें फिर आप बैठोगे गुस्से में ये हो फिर आपका काम नहीं होगा, ठीक है, तो दिमाग में वो चीजें चलती रहेंगी, फिर पीसी की तरफ नजर है माउस हाथ में है दिमाग नहीं है काबू में है वो काबू के बाहर जा चुका है, तो प्रोफेशनलिज्म जितना ज्यादा हो सके उतना अपनाना चाहिए, बिकॉज फिर नुकसान आपके लिए इससे आपने दोस्ती किया होगा वो टीम लीडर है कोई भी हो सकता है वो बहुत मेच्योर बहुत सेंसिबल बहुत प्रैक्टिकल उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसका दिल नहीं टूटेगा आपका टूटेगा आपको फर्क पड़ेगा, so let us be realistic and you need to align with your points that you have written anyhow any cost anyhow in any situation
यू हैव टू अलाइन विद योर टारगेट. कुछ भी हो जाए दुनिया इधर को तो हो जाए. मैंने जो बनाया रेगुलेशन उसमें मुझे चिपक के लगाया इसकी बोला मैं कितना होगा 70% अचीव होगा 80% होगा बहुत ज्यादा है वो भी 80% भी होगा तो बहुत ज्यादा बिलीव 100 किसी ने कर लिया और स्टडी हो जाएगा 110% के लिए और स्टडी हो जाएगा 80% भी अचीव किया इतना भी लोगों का अचीवमेंट ग्राफ नहीं होता है तो भी बहुत ज्यादा होगा. खुद की पर्सनैलिटी मैच कर लेना 6 महीने पहले वाली लड़की 6 महीने बाद वाले कंपेयर करके देखिए. तो कोई भी चीजों को सोचते नहीं बैठने का कोई भी मन में आ जाए कोई चीज रिलेटेड रख देगा कोई भी बोल सकता ऑफिस में तो मन में कोई चीज लेके मत बैठ जाना. कुछ डाउट सा है भी मन में लेके बैठ गए तो उसको बता दो डिलीवर से हो सकता है कि इनने पहले सोच पैदा कर लिए हमने सिचुएशन सब कुछ सही चल रहे हो नुकसान तुम्हारा ही हर हाल में ये ध्यान है तो फायदा नुकसान तुम्हें मन में सोच लेना मेरे ये करने से नुकसान होगा रखा करो. जब तुम्हारा असेसमेंट कंप्लीट हो जाए तो फिर तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा मुझे अब क्या करना. सो विद दिस वर्ड आई वुड लाइक टू एंड अप देयर एनीथिंग एल्स फॉर मेनी वन प्लीज शेयर 2022 को अच्छा करना है राइट किस पॉइंट छूट रहा है किसी को कुछ ऐड करना है सिचुएशन को फेस करना सीखो सामना करना सीखो. अक्सर ऐसा होता है कि मैनेजमेंट लेवल पर कि भाई क्लाइंट का फोन आया उठाने का मन नहीं कर रहा है किसी को भी उठाना पड़ता है फेस करना पड़ता है तुम्हें का फोन आ रहा है और गंदी हो और खराब हो जाएगी. सामना करने से चीजों को सुधार लेते हैं. किसी ने चेन्नई एक्सप्रेस देखी है क्या? हर जगह डायलॉग है ऊपर थर्ड मूवी खत्म हो जाती है 25% आसपास दूसरी 20% इन द वर्ल्ड जितनी प्रॉब्लम है All the solution of every problem is to face them. दीपिका के साथ बैठ के बात कर रहा था फिर वापस से फिर वो गांव जाते थे नहीं वापस से वो टाइम पे वो बात हो रही होती बहुत सारी प्रॉब्लम फेस किया दोनों ने सारे अलग अलग टाइप की तो सारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो एक ही है उन्हीं प्रॉब्लम को फेस करो यही है सोल्यूशन. उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करो सोल्यूशन अपने आप आएगा. प्रॉब्लम जरूर करेंगे भाग में भागी में बड़ी भागी होते थे उनको साइज बढ़ जाएगा फेस करने लगे साइज छोटा होते 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 खत्म हो जाएगा. थैंक यू ऑल.